सब्सक्राइब कीजिए डिस्क्रिप्शंस को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आगे आने वाली कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टोयोटा FTVH कॉन्सेप्ट कार। दोस्तों ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट कार है जिसे टोयोटा ने A2 जिनेवा ऑटो एक्सपो में प्रेजेंट किया था, जो कि 1 लीटर में 50 किलोमीटर तक का माइलेज देती है। यह इस गाड़ी को टोयोटा ने 2012 में पेश किया था। यह गाड़ी फ्यूचर प्रोडक्शन बेस्ड मॉडल है टोयोटा की तरफ से। इस गाड़ी बी सेगमेंट की अल्ट्रा लो फ्यूल कंजप्शन मॉडल पर आधारित है। इस गाड़ी का पावर हाउस नेक्स्ट जनरेशन गैसोलीन इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम पर आधारित है। यह गाड़ी 2 वेरिएंट्स में मिलेगी। पहले है CNG प्लस इलेक्ट्रिक वेरिएंट, जिसको CNG हाइब्रिड कह सकते हैं, और दूसरी है प्लग इन हाइब्रिड। अब सबसे अच्छी बात ये होने वाली है, फर्स्ट वेरिएंट में आपको मात्र 38 ग्राम प्रति किलोमीटर का CO2 इमिशन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी इको फ्रेंडली है। वहीं नेक्स्ट वेरिएंट जो कि प्लग इन हाइब्रिड है, वहाँ पर आपको मात्र 90 ग्राम प्रति किलोमीटर का आपको यहाँ पर CO2 इमिशन देखने को मिलता है, जो कि यार नेचर के लिए काफ़ी अच्छी है। टोयोटा ने इस कार को नेचर के लिए ही बनाया था और इस कॉन्सेप्ट को भविष्य में लॉन्च करने का फैसला है टोयोटा का। इस गाड़ी के आपको रियर सीट के नीचे एक छोटा सा फ्यूल टैंक देखने को मिलता है और उसके बगल में लिथियम आयन बैटरी दिया गया है। चूंकि इस कार को लाइटवेट रखा गया है, तो जाहिर सी बात है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको ही मेंटेन करना था टोयोटा को। तो जब इसमें रियर हाइब्रिड सिस्टम का डिज़ाइन के कारण आपको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी स्मूथ बना देती है। सेफ्टी के लिए इसमें आपको डैशबोर्ड पर एक सेंट्रल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पर आप इस कैमरे गाड़ी में लगे 360 डिग्री के कैमरे से आप अपनी गाड़ी की पूरी 360 लुक अराउंड ले सकते हैं, जो कि इस गाड़ी को काफ़ी सिक्योर बनाता है चलाने में। बाकी अदर सेफ्टी फीचर्स ABS, EBD इसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया था टोयोटा ने, और जाहिर सी बात है भाई इस गाड़ी में सब देखने को मिलेंगे क्योंकि एक फ्यूचर बेस्ड मॉडल है। हालांकि लुक्स के मामले में बात करें तो बहुत देर हो जा रही है लुक्स में, वीडियो को लास्ट में आज लुक बता रहा हूँ। तो लुक के मामले में ये एक हैचबैक है और काफ़ी यहाँ पे आपको शार्प एडजस्ट इसमें देखने को मिलेंगे। टोयोटा ने इसके साथ साथ FCVR फ्यूल सेल हाइब्रिड, टोयोटा DG, GT86 जैसे हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी शोकेस किया था, और इसको लॉन्च करने का फैसला एक नए इरा में होगी जब हमारे दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जब आगमन होगा। वैसे तो देखिए हर एक चीज़ का समय रहता है, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें बदलती रहती हैं, उसी प्रकार से एक दिन ये पेट्रोल का एरा भी खत्म होगा और हम एक हाइब्रिड एरा में जाएंगे। हाइब्रिड के बाद एक इलेक्ट्रिक एरा आएगा, तो हाइब्रिड एरा में हमें ये सारी गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो पेट्रोल का एरा, जैसे कि सरकार बता रही है 2030 तक इंडिया में सारी ही गाड़ी इलेक्ट्रिक होने वाली है, तो ऐसा तो सरकार कहती है, लेकिन मैं बताता हूँ शायद ये हाइब्रिड हो जाए। तो अगर हाइब्रिड होती है तो टोयोटा FTVH जैसी बहुत सी गाड़ियाँ इंडिया में मार्केट में प्रवेश करना चाहेंगी। तो आप क्या सोचते हैं टोयोटा की FTVH कॉन्सेप्ट के बारे में? अपना राय जरूर दे कमेंट बॉक्स में। प्राइसिंग के मामले में बात करो तो यार प्राइस ही कोई क्लियर नहीं बताई है कंपनी ने, अंदाज़ा भी मैं नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि यार टाटा मेगापिक्सल तो यार कंपनी ने चलो सस्ती बताई थी, लेकिन उसका अंदाज़ा लगाने पे बहुत हाई जाता है प्राइस, तो इसलिए मैंने इसे कोई अंदाज़ा नहीं लगा रखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना खूब देर से ख्याल, और नए आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल सब्सक्राइब किया और बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।